वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से गलबात करनी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि एक इंसान विचले गुण अवगुण उस दियां खूबियां उस दियां कमियां ये सारा कुछ उसके चेहरे तो उसके शरीर तो शरीरक बनावट तो आकार तो रंग ये सारा कुछ देख के पता ला सकते हैं। बिल्कुल उस तरीके जिस तरीके कुछ लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि हत्थां के उत्ते उभरियां लकीरां नूं देख के किसी का भाग पढ़िया जा सकता है। उवें ही कुछ लोग ये दावा करते हैं कि लोगों दियां उंगलां वेख के उन्हां दा आकार वेख के उन्हां दी बनावट वेख के एक इंसान दे नाल जुड़े हुए बहुत सारे राजां दा आसानी दे नाल पता लगाया जा सकता है। वह कहिंदे ने कि हत्थां दियां रखावां जिस तरीके नाल व्यक्ति दा भविख दस दिंदियां ने जिवें हत्थां दियां लीकां विच भविख छिपिया हुंदा है बिल्कुल उस तरीके नाल हत्थां दियां उंगलां भी व्यक्ति दे बारे बहुत वड्डियां जानकारियां दे दिंदियां ने। इन्हां उंगलों का आकार इन्हां दा झुकाव चरित्र सुभाव हर चीज़ बारे इंसान बारे बहुत वड्डियां जानकारियां दा पता लाया जा सकता है उंगलों की मदद दे नाल। उह कहिंदे ने कि साडे ज्ञान दे विच सब तो छोटी उंगली है जिहड़ी हथ दी जिहड़ी एक किनारे ते है एक पासे गूठा है दूजे पासे जिहड़ी उंगली है उसनों कनिष्ठा उंगली कहिंदे ने। उह कहिंदे ने इह उंगली बंदे दे बौद्धिक पद्धर बारे दसदी है ते उसकी आर्थिक स्थिति बारे दसदी है। वह दावा करते हैं कि यह उंगली जिनी लंबी होगी उन्ना ही इंसान समझदार होगा तो जिनी यह टेढ़ी मेढ़ी होगी उन्हें इंसान की जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आएंगे उन्ना ही व्यक्ति जिहड़ा है फैसलों दे विच फस के रह जाएगा। सब तो छोटी उंगल दे नाल जो उंगल है इसनों रिंग फिंगर भी कहिंदे ने इसनों अनामका उंगली भी कहिंदे ने। वह यह दावा करते हैं कि यह उंगली मनुख दीआं भावनावां दे नाल संबंध रखती है मनुख की सेहत दे नाल जिंदगी दे विच किन्ना कु उसने नाम करना है उन्हां चीज़ों का इस दे नाल संबंध हुंदा है। वह कहिंदे ने कि इस उंगली का ज़्यादा लंबा होना व्यक्ति दे गुस्से वाले होने का संकेत दिंदा है इस दे नाल वह व्यक्ति नूं दुरसाहसी कहन तो भाव कि माड़े कम्मां दे विच जिहड़ा व्यक्ति बहादुर हुंदा है उसका इशारा यह उंगली दे दिंदी है। जेकर यह उंगली मध्यम आकार की होवे तां यह चंगा मनदे ने उह लोक। यह उंगली का सीधा संबंध दिल दे नाल वी कहा जाता है इसे करके ही व्याहां ते जां अंगेजमेंट ते जिहड़ी रिंग पाई जाती है मुंदरी वह इसी उंगल विच पाई जाती है। इस तों अगली उंगल नूं वह अपनी ज्ञान दे विच मध्यमा उंगली कहिंदे ने जिन्हों अंग्रेजी दे विच मिडल फिंगर कहिंदे ने। यह दोहां पासियां तों तीजी उंगल है हथ दे विचकारली उंगल है। इस उंगली दे नाल व्यक्ति दे काम करन दी क्षमता दा दावा करदे ने सिक्ख्या दा रुजगार दा दावा करदे ने। वह कहिंदे कि यह उंगल जिन्नी लंबी ते जिन्नी सीधी होवेगी व्यक्ति उन्नी ही तेजी नाल अपने करियर दे विच उन्नति करदा है करियर दे विच विकास करदा है। पर जे इह टेढ़ी मेढ़ी होवे जां छोटी होवे तां उसनूं आपदी जिंदगी दे विच खास करके करियर दे नाल संबंधित बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पवेगी संघर्ष करना पवेगा। ये उन्हां दा दावा है। वह व्यक्ति जिसकी मिडल फिंगर छोटी है वह हमेशा परेशानियों के घिरिया रहा है इस गल की वह दावा करते हैं इस गल की वह दलील देंगे ने। अगली उंगल जो अंगूठे के नाल की उंगल है अपने हाथ की पहली उंगल है इसनों अपने ज्ञान के तर्जनी उंगल कहें। वह कहें कि इंसान की यह उंगल सब तो ज़्यादा ताकतवर है। वह कहें कि साढ़े जी धारणा है कि इंसान को इस उंगल को सीधे तौर पर कदे भी रुखां वाल नहीं करना चाहिए फलों वाल नहीं करना चाहिए पौद्यां वाल नहीं करना चाहिए। इस तरह करन नाल फल पौधे पेड़ पौधे जिन्हें भी फुल ने वह खराब हो जाते हैं ये उन्हों का दावा क्योंकि वह कहें कि यह उंगल ताकतवर है। इस तो अगली गल कहें कि ये कदे भी ब्रश भी नहीं करना चाहिए ये उंगली शक्तिशाली उंगली उन्होंने धारणा के मुताबिक है। वह इस उंगली का जोड़ा संबंध है वह परमात्मा नाल जोड़ते हैं इंसान की अध्यात्मिकता के नाल जोड़ते हैं। सो अजय उन्होंने दावे ने यह सारे दावे वादे कुछ लोगों वालों किए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हों गलों के विश्वास नहीं रखते। वह कहते हैं कि उंगलों हत्थों दियाँ रखावं मत्थे दियाँ रखावं वह इंसान का ना तो चरित्र उसका फैसला ले सकदियां ने ना इंसान बारे कोई भी परिभाषा दे सकदियां ने। भविख छड्डो पास्ट छड्डो वह इंसान के वर्तमान बारे भी कुछ नहीं दस सकदियां। एक इंसान नूं वह कहते हैं कि उंगलों के हत्थों दियाँ रखावं के तलियां के जिन्ना भी कुछ इन्हां चीज़ां दे नाल संबंधित है उस उन्हां सारे कुछ तो उपर उठ के उसनों अपने हत्थां ते विश्वास करना चाहिए अपने काम ते विश्वास करना चाहिए उसनों वेले रहन तो दूर रहना चाहिए है। वह ये कहिंदे ने कि ये सारे काम ने ये चोचले ने ये वेले लोगों के चोचले ने हुण ये अपने ते आपां किस चीज़ नूं मनना है किस नूं नहीं मनना आपां उंगलां पिछले गणित विच जाणा जां फिर आपां सिर्फ ते सिर्फ
मेहनत वाले पासे जाना जो परमात्मा का दर्शाया हुआ रस्ता है। सो यह फैसला अपने ते है कि आप किहड़े लोगों के पिछे जाना, किहड़े लोगों की संगत करनी है, किहड़े लोगों की गलबात आप मननी है।